કરવાનું એટલે કેજો. થઈ ગયું? गुड इवनिंग सेंटर्स, in the last session we have completed question number 7. Today we are starting off with question number 8. Okay, let us start with question 8. Question 8 says that Beta Limited is considering the acquisition of a personal computer costing ₹50,000. The effective life of the computer is expected to be 5 years. So these are the first two informations which we are having. Cost of computer, ₹50,000, and the expected life will be 5 years. Now, the company plans to acquire the same either by borrowing ₹50,000 from its bankers at 15% per annum or by lease. So again, we have to make a comparison between hire purchase and lease. So the first option they are talking about is acquiring the computer by borrowing it from the bankers at 15%. So the computer is to be required, or I would say is to be acquired, by borrowing at 15% per annum, or by lease I am not writing as of now because we will be doing the evaluation of lease later on. The company wishes to know the lease rentals to be paid annually which match the loan option. Please underline this sentence. The company wishes to know the lease rentals to be paid by the company which should match which would match the loan option. तो हमारा loan के equal के या फिर loan amount के हिसाब से हमारा lease rental होना चाहिए. The following are the further information provided to you. Now, the principal amount of loan will be repaid in 5 equal annual installments. So here I am repeating. Principal amount to be paid in 5 equal annual installments. Now, as it is talking about 5 equal installments will be paying the principal amount, therefore
प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी 10,000 रुपीज पर एनम, क्योंकि हम लोगों को 50,000 का कंप्यूटर है, उसका प्रिंसिपल हम लोगों को 5 साल में इक्वली पे करना है. सो माय पर एनम प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी 10,000 रुपीज. सेकंड इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट लीज रेंटल्स प्रिंसिपल रिपेमेंट आर टू बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर. अगेन अंडरलाइन दैट इट इज लास्ट डे. सो हम लोगों को वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था दैट देयर वुड बी सर्टेन केसेस जहां पर बिगिनिंग ऑफ द डे होगा, और जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट किया भी था वेर इट वॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एज इट इज लास्ट डे ऑफ द ईयर, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. थर्ड पॉइंट, द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड सेम विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेस. सो हियर फुल वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज टू बी रिटर्न ऑफ सो स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू जीरो. माई स्क्रैप वैल्यू विल बी जीरो. द फोर्थ इंफॉर्मेशन इज द कंपनीज इफेक्टिव टैक्स रेट इज 40% एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%. सो हियर टैक्स रेट टी इक्वल्स टू 0.40 एंड इट इज गिवन माई पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें से हम लोगों को टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 9%. एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज द कंप्यूटर विल बी सोल्ड फॉर रूपीज 1700 एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर. द कमीशन ऑन सच सेल्स इज 9% ऑन द सेल्स वैल्यू एंड द सेम विल बी पेड. सो कंप्यूटर विल बी सोल्ड एट रूपीज 1700 एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर. एंड कमीशन ऑफ रूपीज सॉरी कमीशन ऑफ 9% ऑन सेल टू बी पेड पेड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू मेक द कंपेरिजन, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द एचपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द इवेल्युएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. एंड जो सेकंड पॉइंट है जिसमें लीज रेंटल्स का इन्वॉल्वमेंट किया गया है, दैट वी विल डिस्कस वाइल डिस्कसिंग और वाइल कैलक्यूलेटिंग द लीज रेंटल्स. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग अबाउट इवेल्युएशन अंडर एचपी. हम लोग यहां पर एचपी का इवेल्युएशन पहले करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी हैविंग ईयर्स. And here we will be doing step 1, step 2 together. So, okay. So, here we will be having for 5 years. Here we will be having principal outstanding in the beginning. Here I will be having principal amount. Here I will be having interest amount, which is going to be calculated at the rate of 15%. Here we are going to have depreciation. Then we are going to have tax savings, that is
इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इनटू माय टैक्स रेट, उसके बाद आएगा आई वुड से माय इंस्टॉलमेंट अमाउंट. सो माय इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी माय प्रिंसिपल प्लस माय इंटरेस्ट. देन आई विल बी हैविंग नेट कैश फ्लो. देन आई विल बी हैविंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%. एंड फाइनली आई विल बी हैविंग प्रेजेंट वैल्यू. एज इट इज अ क्वाइट लेंथी और आई वुड से क्वाइट ब्रॉड टेबल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो हॉरिजॉन्टली इफ यू कैन राइट इट इन योर पेज, या फिर आपको एक साथ करने के लिए शायद जगह कम पड़ेगी. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, if I talk about the principal outstanding in the beginning of the fifth year, first year, it will be 50,000. That is my cost of computer. As I have written already in this condition that my principal amount of rupees 10,000 is to be paid in 5 equal installments, so my principal amount paanchon saalon mein same rahega, so that will be 10,000 in each year. Main pehle ye likh deta hu. And on the basis of this, my outstanding amount will be reducing 40, 30, 20, and this 10,000 will be repaid as the last principal. Now, interest is something which is going to be calculated at 15% on the basis of the balance outstanding. So, I would say 50,000 into 15%. So, it will be 7,500. 15% into 40,000 will be 6,000. 15% into 30,000, 4,500, 3,000 and 1,500. This will be my amount of interest. Just to show you one more thing. Full value of computer is to be written off. So my scrap value is zero. And if you look at that point again, it is written on the straight line basis. So my depreciation is again going to be equal in each year. So my depreciation, yahan par main aapki information ke liye likh deta hu, straight line method ke basis par, so it will be 10,000 each year. So this will be my depreciation amount. Now here I have to calculate the tax savings. So it will be interest plus depreciation multiplied by the tax rate, that is 40%. So 10,000 plus 7,500, so it will be 17,500 multiplied by 0.4. So 17,500 multiplied by 0.4 will give me 7,000. 16,000 into 0.4 will give me 6,400. 14,500 into 0.4 will give me 5,800. 13,000 into 0.4 will give me 5,200. And 11,500 into 0.4 will give me 4,600. This is my tax savings. Here I am calculating the total installment, so that will be my principal plus interest. So here if I note this as column number 3 and column number 4, my installment will be 3 plus 4. So it will be 17,500, 16,000, 14,500, 13,000 and 11,500. This will be my installment amount, and my net cash flow will be installment minus tax savings. So agar main iske number de deta hu, this will be 5, this will be 6, this will be 7,
So my net cash flow will be 7 minus 6. And that will be 17,500 minus 7,000. 10,500. 16 minus 6,400. 9,600. 14,500 minus 5,800. 8,700. 13,000 minus 5,200. 7,800. And 11,500 minus 4,600. 6,900. And this amount has to be multiplied with my present value factor at 9%. And if I'm not wrong, yes, present value factors at 9% are given to you in the question itself. If you can look at that, 0.92, 0.84 and so on. Aur yahan par ek bar fir repeat kar dun, this 9% is your post-tax cost of capital. So, isme se aapko tax minus karne ki zarurat nahi hai. So, this will be 0.92, 0.84, 0.77, 0.71 and 0.65. In sabka multiplication karenge, 10,500 into 0.92, 9,660, 9,600 into 0.84, 8,064, 8,700 into 0.77, 6,699, 7,800 into 0.71, 5,538, and 6,900 into 0.65, 4,485, and my total is 34,446. This is my present value of cash outflow. Now, this is not done. मतलब यहाँ पर वो चीज़ खत्म नहीं होती क्योंकि this is just the present value of cash outflow under HP option. लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो मैंने notes में last point यहाँ पर लिखा था कि computer will be sold at 1700 at the end of fifth year, जिस पर हम लोगों को commission भी pay करना है. So basically ये जो हम लोग pay करते हैं या तो फिर उसका भी हम लोगों को present value calculate करना पड़ेगा. Now, यहां पर हम लोगों ने जो ये टेबल में कैलकुलेट किया, this is something which is going to be our present value of cash outflow. यहां पर हम लोग कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, तो उसका पैसा हम लोगों को मिलेगा. After commission, net amount हम लोगों को मिलेगा. उसकी जो present value हम लोग find करेंगे, वो होगी हमारी present value of cash inflow. So, we need to now find out the present value of cash inflow coming out of sales, and that present value will be deducted from this to find out the net cash flow. Now, if you talk about this, तो 1700 रुपए में हम लोग मशीन बेच रहे हैं. So here I am calculating now present value of sales. यहां पर हम लोग present value of sales find कर रहे हैं. My selling price is 1700 rupees. इस सेलिंग प्राइस में से हम लोगों को कमीशन पे करना है. सो माइनस कमीशन एट 9%. सो 1700 का 9% इज कमिंग एज 153. सो नेट सेलिंग प्राइस होगा 1547. अब ये जो सेलिंग प्राइस है, इसमें से मुझे टैक्स पोस्ट टैक्स कितना मिलता है, क्योंकि एज इट इज माय सेलिंग प्राइस, इट इज माय इनकम, इट इज माय रेवेन्यू, एंड आउट ऑफ दिस इनकम आई हैव टू पे द इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%. तो पोस्ट टैक्स मेरा कितना होगा, सो लेस, मतलब और आई वुड से इसको हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस टी ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी. तो इसका 60% हम लोगों को मिलेगा, बिकॉज 40% वी विल बी पेइंग एज अ टैक्स. So 1547 into 60%, that will be coming as 928.2.
इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो कि 1547 में से 40% माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट आती है, मतलब दैट इज 40%, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू पे, तो वो अमाउंट आप लोग इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा. सो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग एज माय नेट कैश इनफ्लो. एज आई हैव सोल्ड दिस मशीन इन द फिफ्थ ईयर, उसे मुझे पांचवें साल से लेकर जीरो ईयर तक ले जाना पड़ेगा. सो इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ओनली इन द फिफ्थ ईयर. सो देयरफॉर नेट कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय PVIF 9% 5 years. और अगर हम लोग इस टेबल में देखें तो इसके पांचवें साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दैट इज 0.65, तो वो मैं यहां पर लूंगा. सो 0.65 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन टू 0.65, इट इज गिविंग मी 603. दिस इज वॉट आई कॉल पीवी ऑफ सेल्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलक्यूलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर एचपी. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर एचपी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स. सो दैट वुड बी 34,446 minus 603. सो दैट वुड बी 34,446 minus 603. सो दैट वुड बी कमिंग एज 33,843 rupees. दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर एचपी. दिस इज योर एचपी. नाउ वी आर गोइंग टू डू लीजिंग. ये हमारा अक्वायरिंग का ऑप्शन है थ्रू लोन. अब हम लोग बात करते हैं लीजिंग की. अब लीजिंग को हम लोगों को एक ही चीज ध्यान में रखनी है. जो हम लोगों को, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन जो मैंने अंडरलाइन की थी वो आप लोगों को देखनी है. द कंपनी वॉन्ट्स टू और द कंपनी विशेस टू नो द लीज रेंटल्स टू बी पेड एन्युअली विथ मैच द लोन ऑप्शन. सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट दैट so here we are going to do the evaluation of leasing. Evaluation of leasing. Assume rupees X to be the lease rentals paid at which the lessee will be indifferent with HP option. This indifferent with HP option मतलब हम लोग X amount को एक ऐसा lease rental assume करते हैं कि अगर वो lease rental आता है तो हमारा HP का amount और lease rental का total amount same होता होगा. And here lease rentals are paid at the end of each year with tax savings. So hum log lease rentals ko mein bhi tax savings to lenge. So now
calculation of lease rent. So I am taking present value of cash outflow equals to, my lease rental is assumed to be X amount. So X multiplied by 1 minus T multiplied by PVIFA 9% 5 years. Can someone do me a favor? जो ये PVIF 9% है, इन पांचों का टोटल अगर कोई मुझे बता पाए तो. Can you make a total of this PVIF? So it will be X into 1 minus 0.4. So it will be 0.6 into इसका total. Okay, it is coming as 3.89. Fine. So 3.89. So now we are taking PVCO equals to 3.89 into 0.6. So it is 2.334x. Now here lease rent should be equal to HP. अब हम लोग HP के present value के साथ इसका comparison कर रहे हैं. So here जो हमारा PVCO है, present value of cash outflow, that will be taken as my net present value of cash outflow of the HP. So therefore 3.843 equals to 2.334x. So therefore x equals to 3.843 divided by 2.334, and therefore x equals to 3.843 divided by 2.334. So that is coming as my 14,500 rupees annual lease rent. Now, ये आ गया हमारा लीज रेंट 14,500 रुपए हर साल, अगर हम लोग उस लीज रेंट की अमाउंट हमारे एचपी की प्रेजेंट वैल्यू के साथ इक्वल रखना चाहते हैं. इक्वल रहेगी या नहीं रहेगी, दैट वी डू नॉट नो. सो दैट मीन्स इसके बेसिस पर हम लोगों को डिसीजन लेना है दैट इफ लीज रेंट is more than 14,500, then HP is better. And if lease rent is less than 14,500, then leasing is better. क्योंकि अगर lease rental 14,500 रुपए आता है, इसका मतलब है कि लीज रेंटल और एचपी की प्रेजेंट वैल्यू सेम है, दे आर इनडिफरेंट एट दिस पॉइंट. अगर लीज रेंटल 14,500 से ज्यादा आता है, इसका मतलब यह है कि लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू एचपी की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी. इन शॉर्ट एचपी की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी और एचपी हमें चीपर ऑप्शन पड़ेगा, सो वी शुड गो फॉर एचपी. और अगर लीज रेंट इससे 14,500 से कम है, तो हमारा लीजिंग का पीवी एचपी के पीवी से कम होगा और लीजिंग सस्ता पड़ेगा, एंड वी शुड गो विथ लीजिंग. सो दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर कैलकुलेशन. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स सेंडर? होपफुली देयर शुड नॉट बी. Rest of the centers, any doubts? Okay, you can start copying. Once you copy this, we'll start with the next one. Thank you.
होप यू हैव कॉपीड इट. We would be starting with the sixth question. Now, the reason for taking sixth question after seventh and eighth is, sixth question is, I would say, a bit lengthy, and it would be a question with a lot of information, and we would also be making certain assumptions and modifications in the solution. So that is why, first of all, I thought of completing 7th and 8th and then going to 6th one. It is a similar sum. It is a sum of present value method only. But there will be few, I would say, changes. There would be few extra calculations. There would be few new things which we will be discussing. So, that is it would be. You can start reading question 6. I'll just start the calculation once I clear it out. Okay, starting with question 6. Question 6 says that Welch Limited is faced with a decision to purchase or acquire or lease a mini car. So this is a question about acquiring or leasing a mini car. The cost of the mini car is 1,26,965 rupees. It has a life of 5 years. The mini car can be obtained on lease by paying equal lease rentals annually. The leasing company desires a return of 10% on the gross value of asset. Now, this is something which is a new thing. This 10% is talking about the leasing company's required rate of return. So, that is what we call lessor's return. So, this is, jab hum logon ne ye present value method ka discussion kiya tha, I said that this is the method from the lessee's perspective. Here we are going to take into consideration the lessee's perspective, but along with that, we are also going to take lessor's perspective at one point of time. We'll discuss it when. Welch Limited can also obtain 100% finance from its regular banking channel, so there is no problem. The rate of interest will be 15% per annum, and the loan will be repaid in 5 annual equal installments inclusive of interest. Now this is again something different from question number 8. Question number 8 mein hum logo ko ye bataya gaya tha that the principal amount has to be repaid in 5 equal installments. So wahan par hamari principal ki amount same thi, installment ki amount alag alag thi. If you have seen or if you can right away seen 17,500 and 16,000 and I would say 14,500. Installments amount were different, but the principal amount was same. Here, the thing is, the installment amount will remain constant. So, principal and interest will keep on changing. The effective tax rate of the company is 40%. For the purpose of taxation, it is to be assumed that the assets will be written off over a period of 5 years on a straight line basis. So, again, the scrap value is zero and straight line basis, so depreciation would be on an equal basis. We have been asked two questions. Advise Welch Limited about the method of acquiring the car. So whether we should go for, HP or lease. And second, if we are going by lease, then what should be the annual lease rental to be charged by the leasing company
टू मैच द लोन ऑप्शन, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अभी किया वही हम लोगों को करना है. सो स्टार्टिंग विद द इंफॉर्मेशन अगेन, कॉस्ट ऑफ मिनी कार 1,26,965, लाइफ 5 इयर्स, वैल्यू ऑफ कार टू बी रिटर्न ऑफ 1 second. Yes, so the value of car to be written off over life on SLM basis. So, scrap value equals to zero. So my scrap value will be zero. One more thing which they have given, that the rate of interest is 15% and the tax rate is 40%. So rate of interest 15%, tax rate 40%. So I would say post tax cost of capital will be 9%. So that will be 15 into 1 minus 0.40. अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 9% मैंने क्यों लिया. दो reasons. एक reason, हम लोगों को जो 10% का rate दिया हुआ है, that 10% rate of return is given from the lessor's point of view, leasing company. वो हम लोग यहां पर नहीं ले सकते. दूसरा reason, यहां पर हम लोगों को post tax रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है. और जब मैंने आप लोगों को मेथड लिखवाई थी या स्टेप्स लिखवाए थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था दैट प्रेजेंट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग एट द पोस्ट टैक्स केडी. सो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट. तो यहां पर हमारे डेप्ट की कॉस्ट 15% बींग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा रेट ऑफ और आई वुड से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स विल बी 9%. So, इसके बेसिस पर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है. वन मोर थिंग, द अमाउंट इज टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. अमाउंट टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, my amount of installment will be 1,26,965 divided by PVIFA 15% 5 years. मैं यहां पर ये PVIFA इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरी टोटल कॉस्ट है विच इज गोइंग टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. तो मैं उसे 15% से 5 सालों का जो PVIFA होगा उससे डिवाइड करूंगा. So here we will be doing it. A PVIFA 15% 5 years. If you can change the page of the question,
नेक्स्ट पेज पर हम लोगों को पीवीआईएफ दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट वहां पर 15% की हम लोगों को रेट दिया हुआ है, उसके 5 साल का आप लोगों को टोटल करना है। सो दैट इज 0.87 प्लस 0.76 प्लस 0.66 प्लस 0.57 प्लस 0.49, सो दैट इज 3.35। सो हियर इट विल बी 1,26,965 डिवाइडेड बाय 3.35 विच गिव्स मी 37,900 रुपीज एज माय इंस्टॉलमेंट। And along with this installment, I'm calculating the depreciation as well. Depreciation will be on SLM basis, no scrap value. So depreciation will be 1,26,965 divided by 5 years. So it will be 126,965 divided by 25,393. 25,953. This is going to be my depreciation amount. Now, अब यहां पर हम लोगों को इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो मिल गई, लेकिन हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट क्या आएगी? Because interest will always be taken or always be collected on the basis of by mistake I have written 25,393. Yeah, so my interest will be paid, or I would say collected, or I would say given on the basis of the amount or outstanding balance at the end of, or I would say at the beginning of the year. So first of all, here we will be starting with the evaluation of HP. Evaluation of HP. And the first thing which we are going to do is segregation of principal and interest. First of all, we are going to segregate the principal and interest out of the installments amount. So first of all, I'll take years. That will be 1 to 5. Here I'll be having amount outstanding in the beginning. Here I'll be having installment. Then I'll be having interest at 15%. Us par se aayega mera principal. And then I'll be having amount outstanding at end. Now the thing is, pehle saal ke beginning mein jo hamari amount hogi, that will be 1,26,965. Now in that case, what we are supposed to do is, okay, so 1,26,965, my installments amount are 37,900 every year. So pehle main wo likh deta hu, now 1,26,965 par hamara interest calculate hoga. इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो वो हमारा प्रिंसिपल होगा, इसमें से हमारा प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मिलेगी। सो 1,26,965
965 into 15% is something which is giving me 19,045 rupees. 19,045. So 37,900 minus 19,045 gives me the principal of 18,855. This principal has to be subtracted from the outstanding amount. So 126,965 minus 18,855. So my amount outstanding at the end of first year is 1,08,110. Now this 1,08,110 will become the amount outstanding in the beginning of second year. Uske upar 15%. It is giving me 16,217. 37,900 minus 16,217 gives me 21,683. Okay. So 108,110 minus 21,683 gives me 86,427. This becomes the opening of third year. 86,427. Uska 15%. 12,964. So my principal amount would be 24,936. And my outstanding would be 61,491, which will become the opening of the fourth year. 61,491 into 15%, interest would be 9,224. Principal amount would be 28,676. And my outstanding amount would be 32,815. My final year's outstanding would be 32,815. अब next मतलब जो last year है उसमें हमारा ये तो nil हो जाएगा outstanding. So here we have to calculate 32,815 into 15%, which is giving me 15%, my interest is coming as 4922. But in that case, अगर मैं 15% के हिसाब से बात करता हूं तो मेरा यहां पर इंटरेस्ट आ रहा है 4922 और 37,900 में से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट मेरे आउटस्टैंडिंग से बढ़ जाएगी. सो इन दैट केस वी नीड टू सेट ऑफ द इंटरेस्ट इन दिस फाइनल ईयर. एंड इफ आई एम ट्राइंग टू सेटिंग ऑफ द इंटरेस्ट इन द फाइनल ईयर, it is something which I need to take as a difference of this 37,900 minus 32,815, and it will be coming as 5,085. So 5,085 will be taken as my interest and my principal would be 32,815, and this would be my final thing. अब ये हो गया मेरा हर साल का प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा हर साल का इंटरेस्ट. इसके बेसिस पर हमारा सेकंड स्टेप आएगा, कैलकुलेशन ऑफ पीवीसीओ. सो अगेन आई विल बी हैविंग इयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
2, 3, 4 and 5. I'll be having principal amount, which is amounting to 1,88,85,21,683,24,936,28,676 and 32,815. Here I'll be having interest, which would be this amount 1,90,45,16,217,12,964,9,224,and 5,085. Here I'll be having depreciation, which we have already calculated, 2,5,393,2,5,393,2,5,393,2,5,393,and 2,5,393. Here I'll be having tax saving. So that is my interest plus depreciation into tax. So 19,045 plus 2,5,393 into 0.4 as my tax rate is 40%. So it is coming as 17,775. This will be coming as my 17,775. And similarly, we have to do it for every year. 16,217 plus 2,5,393 into 40%, 16,644. Third year, 15,343. Fourth year, 13,847. And last year, it is coming as 12,191. This will be my tax savings for each year. And now, finally, this amounts are to be segregated or subtracted from my installment. So my installment amount is 37,900. Or I would say, is calculation of PBCO mein agar aap principal ka column nahi banayenge na to bhi chalega. You can straight away keep your installment amount over here, kyunki PBCO ke liye hum logo ko principal ka koi kaam bhi nahi hai. So agar aap logo ne copy nahi kiya hai, then I would suggest this कि installment वाला जो कॉलम है वो यहां पर लिख दीजिएगा, और principal वाला कॉलम अगर आप नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, मतलब चलेगा. If you want to write, it is completely all right. So 37,900, and here I will be having net cash outflow. So that will be 37,900 minus 17,775. यहां पर हमारा पीवी फैक्टर आएगा 9% पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था दैट पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 9%. सो दिस विल बी 0.92, 0.84, 0.77, 0.71 and 0.65 एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट सम. सो यहां पर मेरा पीवी आएगा, मैं साथ में ही करता जा रहा हूं, 20,125 into 0.92. So this will be 18,515. Second year, 37,900 minus 16,644. That will be 21,256 multiplied by 0.84. 17,855. Third year, 15,343
प्लस 37900 माइनस 15343 22557 मल्टीप्लाइड बाय 0.77 सो इट विल बी 17369 37900 माइनस 13847 सो इट विल बी 24053 इंटू 0.71 सो इट विल बी कमिंग एज 17078 एंड लास्ट ईयर 37900 माइनस 12191 सो दैट विल बी कमिंग एज 25709 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 सो इट विल बी कमिंग एज 16711 और इसका हम लोगों को टोटल करना है It is coming as 87,528. This will be my present value of cash outflow. Present value of cash outflow under HP is 87,528. अब इसके comparison पर हम लोग leasing का comparison करेंगे. Now here, The amount of lease has not been given to us. So we have to calculate the amount of lease rent which is to be charged by the lessor and paid by the lessee. So यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो चीजें होगी यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से segregate कर रहा हूं because I need some space. So here I am writing evaluation of leasing. Here lease rent is not given. So we have to calculate the lease rent which will be charged by lessor and paid by lessee. In question 8, जो हम लोगों ने पहले किया इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया अब यहां पर जो मैंने आपको बोला कि हम लोगों को लीज रेंट दिया नहीं हुआ है सो हम लोग लीज रेंट कैलकुलेट करेंगे जो लेसर पे करेगा और लेसी सॉरी लेसर चार्ज करेगा और लेसी पे करेगा अब यहां पर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा कैलकुलेशन किया था कि हम लोगों को पूछा गया था दैट कैलकुलेट द लीज रेंट which is indifferent with HP. In question 8, lease rent was calculated at 9% as nothing specific was given. हमें कुछ बोला नहीं गया था. In this question, If lease is to be compared with HP, then lease rent will be calculated at 9%. But if lease rent is not equal to HP, then it should be calculated
एट 10%। ये डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर यहां पर हम लोगों को पूछा गया है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन ए एंड बी। हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन ए पूछा गया है, क्वेश्चन ए ऐसा कहता है दैट एडवाइज वेल्स लिमिटेड अबाउट द मेथड ऑफ अक्वायरिंग द कार। अब जो ये मेथड ऑफ अक्वायरिंग कार है उसमें हम लोगों को यह चीज नहीं पूछी गई कि हम लोगों को मैच करना है या नहीं। सो इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, जहां पर हम लोगों को एचपी और लीजिंग का कंपैरिजन करना है, बट इट इज नॉट सेड दैट योर लीज रेंट शुड बी इक्वल टू एचपी। सो इन दैट केस एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न्ड, लीज रेंट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10%। पार्ट बी देखिए, इफ यू लुक एट पार्ट बी, पार्ट बी सेज दैट व्हाट शुड बी द एन्युअल लीज रेंटल चार्ज बाय लीजिंग कंपनी टू मैच द लोन ऑप्शन। So this is something where we need to think about, or this is something where we are, what we are supposed to do. Here I am talking about the calculation. Calculation of lease rent if not matching with HP. अगर वो एचपी के साथ हम लोगों को मैच नहीं करना है तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंट विल बी अज्यूम लीज रेंट एज रुपीज एक्स, सो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वन माइनस टी इंटू PVIFA 10% 5 years। दिस इज वॉट यू कैन से फ्रॉम लेसर्स पर्सपेक्टिव, या फिर इसे छोड़ दो, लेसर्स पर्सपेक्टिव छोड़ दो। अब पहले ऑप्शन में हम लोगों को यह नहीं बोला गया है कि आपको लीज रेंट एचपी के इक्वल चाहिए। क्योंकि हम लोगों को इक्वल नहीं चाहिए इसलिए हम लोग लीजिंग का 10% लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने दिया हुआ है दैट द लीजिंग कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑन ग्रॉस असेट्स, ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। Now my present value will be taken as my cost of car. So 126,965 equals to x into 1 minus 0.4, tax rate 40%, so this will be 0.6 into PVIFA 10% 5 years. पीछे के टेबल में आप लोगों को 10% का भी वैल्यू दिया हुआ है। सो हम लोगों को 10% का टोटल करना है 5 साल का, 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस 0.68 प्लस 0.62, सो दैट इज 3.79। सो हियर इट विल बी एक्स इंटू 0.6 इंटू 3.79, सो देयरफॉर 1,26,965 इक्वल्स टू 2.274 एक्स, एंड देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू
because this is just talking about the calculation of lease rental from the lessor's perspective. अभी तक तो हम लोग lease rental ही calculate कर रहे हैं. उस lease rental की जब हम लोग evaluation करेंगे तब हम लोग इसे तब हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी 1,26,965 इक्वल्स टू 3.79x एंड देयरफॉर इट विल बी 33,500. ये हो गया मेरा एन्युअल लीज रेंट. अब इस एन्युअल लीज रेंट को कंसीडर करते हुए वी नीड टू कंसीडर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज ऑप्शन. So here, now we are calculating present value of cash outflow under lease option. So therefore, present value of cash outflow equals to 33,500, that is my lease rent, multiplied by 1 minus T, multiplied by PVIFA 9% 5 years. अब यहां पर देखिए, हमने जो लीज रेंट कैलकुलेट किया वो 10% पर किया, लेकिन उस लीज रेंटल की जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे कैश आउटफ्लो के लिए, दैट विल बी 9% बिकॉज दिस वैल्यू और दिस आंसर विल बी कंपेयर्ड विथ एचपी. तो हम लोगों ने एचपी का प्रेजेंट वैल्यू 9% पर निकाला है, इसीलिए इसका भी हम लोग 9% पर निकालेंगे. सो नाउ it will be now 33,500 into 0.6 into iska total hum logo ne pichle sum mein kiya tha, I think it was 3.89, so it will be 33,500 into 0.6 into 3.89 and that is coming as present value of cash outflow 78189 रुपीस. और यहां पर हमारा डिसीजन आएगा एज पीवीसीओ ऑफ लीजिंग इज लेस देन पीवीसीओ ऑफ एचपी, लीजिंग इज बेटर. नाउ दिस इज योर पार्ट ए. अब अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं इस कंटेक्स्ट में, पार्ट बी आप लोगों का देखिए, पार्ट बी में यह कहा हुआ है दैट व्हाट शुड बी माय एन्युअल लीज रेंटल विच शुड बी मैचिंग विद द एचपी. इट शुड बी मैचिंग और इट शुड बी इक्वल टू एचपी, व्हाट एवर वर्ड यू कैन से. सो हियर इन पार्ट बी वी आर सेइंग दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ एचपी equals to PVCO of lease. इसके लिए हम जो lease rental या leasing का PVCO करेंगे, उसके लिए जो हम लोग lease rental calculate करेंगे, that will be calculated at 9%. And this is nothing but this is similar to question number 8 which we have done. So this will be, यहां पर मैं इसका present value लूंगा, present value of HP, so 87,528 equals to lease rental is assumed to be X amount multiplied by 1 minus T multiplied by PVIFA 9% 5 years. So therefore 87,528 equals to X into 0.6 into 3.89. So 3.89 into 0.6, it is coming as 2.334. Therefore, 87,528 equals to 2.334x, and therefore, x equals to 87528 divided by 2.334. 37,500 rupees. And this is the logic of point A and B. Point A says that compare the present value of HP and present value of leasing when we do not want to match them. हम लोग उन्हें match नहीं कर रहे. So, अगर
इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एचपी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग व्हेन वी आर नॉट मैचिंग देम, द माई एन्युअल लीज रेंट विल बी 33,500 एंड लीजिंग प्रेजेंट वैल्यू विल बी 78,189 विच इज लेसर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एचपी एंड लीजिंग इज अ बेटर ऑप्शन. बट इफ यू वॉन्ट योर लीज रेंटल टू बी इक्वल टू योर एचपी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अगर आप लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू और एचपी की प्रेजेंट वैल्यू सेम रखना चाहते हैं, देन योर लीज रेंटल विल रेज टू 37,500. और इसमें आपको वही कंक्लूजन लिखना है इन पार्ट बी, इफ लीज रेंट इज मोर देन 37,500 गो फॉर एचपी, इफ लीज रेंट इज लेस देन 37,500 गो फॉर लीजिंग. सो दिस इज योर पार्ट ए एंड पार्ट बी. क्लियर सेंटर्स? एनी डाउट्स? पठानकोट सेंटर, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर. 55,833 वो आपने क्या लिखा है? ओके, ज्ञानगंगा क्लासेस, एनी डाउट्स? Other centers, any doubts please? Mehsana, Amritsar, Vallabh Vidyanagar, Bhavnagar, Porbandar. गांधीधाम सेंटर, व्हेनेवर यू आर कैलक्यूलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यू हैव टू कंसीडर पोस्ट टैक्स केडी. एज फार एज दिस कैलक्यूलेशंस आर कंसर्न्ड और प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज कंसर्न्ड, प्री टैक्स केडी विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर अनलेस एंड अंटिल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी प्री टैक्स. Otherwise, if you talk about KD as a discounting factor, it will always be post-tax. एक और रिक्वेस्ट है सभी सेंटर्स से, यह सम आपका जहां पर भी खत्म होता है इसके पीछे दो पेज छोड़ दीजिएगा. And I mean two pages means four sides. एक पेज this side, उसके पीछे का side, दूसरा पेज this side, उसके पीछे का side. Leave four pages behind this. The reason is, I just want to make you understand. Now this is the question which is asked. This is our original question. मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस किए जाए तो इसके कैलकुलेशंस में कैसे चले जाएंगे. बट दैट वी विल डू वंस वी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सो अब हम लोग ये बाकी के जो क्वेश्चंस है वो निपटाने के बाद ये जो अधूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे. अधूरा इनफैक्ट नहीं है, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिनल क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो गया. अब हम अपनी तरफ से मॉडिफिकेशंस करेंगे. आई वॉन्ट यू टू मतलब आई वुड लाइक टू मेक थ्री काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस इन दिस क्वेश्चन, बट दैट विल बी लेटर ऑन. नाउ एज फार एज दिस
दिस वीक शेड्यूल इज कंसर्न्ड, हमारे पास दो और लेक्चर्स है. वन लेक्चर इज टुमारो एंड वन लेक्चर इज ऑन फ्राइडे. एंड आई थिंक बाय फ्राइडे वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ सिक्स सम्स. आई थिंक 9, 10, 11, 12, 13, 14, यस सिक्स सम्स. एंड इन दिस सिक्स सम्स वी आर गोइंग टू कवर मेजरली फोर मेथड्स, आई वुड से तीन मेथड्स. सो आई थिंक द लेक्चर इज टिल 8:30, सो वी विल नॉट बी गोइंग फर्दर टूडे. And one more thing, I think tomorrow's lecture as per schedule is till 8:30. But we will extend tomorrow's lecture till 9 o'clock. So, kal ka lecture 9 baje tak ka hoga. Aaj hum log extend nahi kar rahe. We are keeping it over here. Fine. Hope there are no doubts today. Hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Good night. See you tomorrow.